एंड वेलकम टू गाइस, मैं वनीश। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस ऑटोमेटिक फार्म के बारे में। काफी एक बेहतरीन मोड है, और आप लोग जब भी काउ फार्मिंग या काउ पेन लगाते हो तो आप लोग ये वाला पेन लगा सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि देखो, आप लोगों को अपना जो भी लूज मटेरियल होता है वो यहाँ पे ला के रख देना होता है, और ये सारी चीजों को अपने आप उठा उठा के यहाँ पे लोड करेगा। और बिल्कुल ही ऑटोमेटिक फार्म है, और अगर ये इंस्टॉल करके अभी तक आप लोगों ने यूज नहीं किया तो यार, फार्मिंग सिम्युलेटर 22 में से बेहतरीन चीज यही है। अगर आप लोगों ने गेम बाय किया हो तो फ्री ऑफ आप लोगों को जो डीएलसी पैक होगा उसके अंदर आया होगा। बाय नहीं किया है तो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आप लोगों को ये मोड देखने के लिए मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये अभी यहाँ पे मिक्स राशन बना रहा है, जिसको हम टीएमआर बोलते हैं। ये रोबोटिक फार्म सब कुछ ऑटोमेटिक करेगा और आपकी गायों को फीड करेगा। कैसे काम करता है इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो बना रहा है, पहले ये आप लोग देख लीजिए। तो ऑब्वियसली ये देखिए, यहाँ से हमारा चैटर ओपन हो गया, और हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे सारा सामान यहाँ पे लाके रख देना है। और यहाँ पे ये देखिए, हाँ साइलेज है, इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ, चलना चलेगा। और चलिए, तब तक मैं आप लोगों को काउ फार्म दिखा देता हूँ। तो ये सिमुलर ही है, और इसके अलावा जो इससे छोटे वाले जो काउ पेन होते हैं, मैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जो गाइडलाइंस वाली है। आप लोग चाहो तो आई बटन में या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। और मैंने इसको फुल्ली डिटेल एक्सप्लेन की है किस तरह से क्या कुछ होता है। और इस वाले पेन को मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो गाइस वो सेपरेट वीडियो यही है कि किस तरह से काम करता है इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ये एक बार यहाँ पे जो भी है ये डाल देगा, ठीक है। तो खाना कैसे देता है वो और दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे यार इतना बड़ा टर्न काटेगा क्या ये? तो ये वाले काउ पेन की जो कॉस्ट है यार, काफी महंगा है ये। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी डालना शुरू कर, ये देखिए गाइस, ये अपने आप सब कुछ कर रहा है। तो चलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। वेल, यहाँ पे क्या होता है, ये है हमारे यहाँ पे सेलेज, ठीक है। आप लोगों ने जो भी अपनी सेलेज बनाई है, आप लोगों को सिंपल इसको यहाँ पे ले आना है। ये है हमारे यहाँ पे हे बेल। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास लूज हो तो लूज भी, सॉरी स्ट्रो स्ट्रो बेल है, लूज होगी तो लूज भी चलेगी। अगर इस तरह की है तो आप लोग यहाँ पे इसको ऐसे पुट करोगे तो यहाँ पे लूज हो जाएगा। और ये है हमारी हे बेल, ठीक है, हे वो लूज वाली। आप लोगों को बस यहाँ पे आके यहाँ पे इनको रख देना है, और उसके बाद ये जो है ऑटोमेटिक सारा काम कर देगा बस। तो आप लोगों को इसको एक बार इंस्टॉल कर लेना है। ये देखो, यहाँ पे इसने बंद कर लिया और इसका काम खत्म हो गया। और ये जब ये सारा काम कर रहा होता है तो यहाँ से ऊपर से कुछ जाली वगैरह आ जाती है, जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया, और उसके बाद ये अपना काम कर देता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने काऊ है क्या है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 32% है। और यहाँ पे देख सकते हो, हे 80 ग्रास। और ये जो हम जो टीएमआर बना रहे हैं उसके बारे में बता रहा है, और उसके पास यहाँ पे सैलरी इतनी है। और ये एकदम, और जो आपकी एनिमल्स की हेल्थ वगैरह यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं और बता देता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल है, आप लोगों के पास जहाँ भी जगह हो वहाँ पे आप लोग चले जाइए, बस पी बटन दबाना है आप लोगों को। और यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में चले जाना है यहाँ पे। और जैसे आओगे आप लोग सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एनिमल में आ जाना है। एनिमल में ये देख सकते हो, सबसे ज्यादा जो महंगा है वो यही है, ठीक है। ये इसमें देखो, आप लोगों को कुछ भी नहीं देना, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। पानी वानी सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे दे देगा। और ये जो है ना, इनकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है इनकी गाइडलाइंस वाली, आप लोगों को आई बटन में भी मिल जाएगी और आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो बस आप लोगों को सिंपली इसको क्लिक करना, और जहाँ चाहे वहाँ पे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के पास पैसे होने चाहिए इतने सारे, तब आप जाके इसको इंस्टॉल कर पाओगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब आपने सपोज करो कि यहाँ पे सारा सामान रख दिया, ये सब यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब आप इसको ऑपरेट कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे इसको ऑर्डर कैसे दोगे कि भाई के जाके गायों को खाना दे दे। गाइस, इसको हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली टाइम के ऊपर चलता है। तो जैसे कि सपोज दैट करो, मैं गेम का थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ कि हर 1 घंटे में आपकी गायों को खाना देगा। तो सपोज दैट यहाँ पे मैं सेटिंग पे जाता हूँ, सेटिंग पे, सपोज
दैट ये है अपना यहाँ पे टाइम का है, ठीक है, ये वाला टाइम स्केल, ठीक है। तो मैं जैसे इसको अपने टाइम स्केल को देख बढ़ाता हूँ, यहाँ पे रियल टाइम है, 3 8 कर, यहाँ पे वेल गाइस देखिए यहाँ पे 360 कर दिया और हमारा जो गेम का टाइम है एकदम स्पीड से जा रहा है। तो जैसे ही देखिए मैं आप लोगों को दिखा, ये देखिए ये जैसे ही हमने टाइम को आगे पीछे किया, तो जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ, तो 1 घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद ये आपके एनिमल को दाना पानी खाना सब कुछ देगा। बस आप लोगों को जो भी काम करना है कर लेना, लेकिन आप लोगों को ध्यान एक ही चीज का रखना है, यहाँ पे जो भी लूज मटेरियल होगा ना, बस वो आप लोगों को यहाँ पे लाके डाल देना है, और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, आप लोग अपने जैसे कि यहाँ पे खेतों में व्यस्त रहिए, कुछ भी कीजिए, XYZ आप लोगों की मर्जी है। और अब मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, बैठता हूँ अपने इस लग्जीरियस गाड़ी में और मैं चला यहाँ से 9:11 हो रहा हूँ, और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। और पिछले वीडियो में तो मेरे पास बाइक थी जो कि पेड़ में अटक गई थी, लेकिन ये पेड़ में नहीं अटकेगी।